हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये वीडियो आपका जेआईवी का एफएमबी 777 है, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसके ऊपर बात कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है एक्सपेंडिचर। सब क्या समझते हैं एक्सपेंडिचर? मतलब खर्चा होता है, यानी आप जो खर्च करते हैं उसको हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला का नाम है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरे का नाम है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, अब हम बात करेंगे एक्सपेंडिचर को हम लोग किस प्रकार से क्लासिफाई करते हैं। एक्सपेंडिचर जो भी खर्च हो रहा है, कुछ ना कुछ क्लासिफिकेशन है, तो हम किस प्रकार से इसको क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, हम इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले नेचर ऑफ एक्सपेंस, किस प्रकार का नेचर है इसका, नेचर ऑफ एक्सपेंस के हिसाब से क्लासिफाई होता है। दूसरा, इफेक्ट ऑफ राइजिंग अर्निंग कैपेसिटी, क्या इफेक्ट होगा, इफेक्ट ऑन रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी, रेवेन्यू अर्निंग की कैपेसिटी पे क्या इफेक्ट होता है, हम बोल सकते हैं इफेक्ट ऑन रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी। तीसरा, बेनिफिट फ्रॉम एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर से कैसे इसको फायदा पहुंचेगा, बेनिफिट फ्रॉम एक्सपेंडिचर यानी खर्च से कैसे इसको बेनिफिट पहुंचने वाला है, हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो ये एक्सपेंडिचर की कुछ क्लासिफिकेशन हो गई है। ठीक है, आ रहा समझ में? चलिए अब हम आएंगे, पहला पढ़ेंगे नेचर ऑफ एक्सपेंस। पहला ये, इसी को हम तीसरा पॉइंट बना लेते हैं, नेचर ऑफ एक्सपेंस पे कैसे क्लासिफाई होगा, इसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये बोलता है कि वैसे पहले समझिए, पहला पॉइंट डालिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये कहता है वैसे खर्चे जो ज्यादा फ्रीक्वेंट हो रहे, ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे होते हैं, यानी बार बार हो रहे हैं, है ना, ऐसे खर्चे जो बार बार होते हैं किसी बिजनेस में, उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे सबको सामान खरीदते, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हो गया, सैलरी दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, टेलीफोन बिल दे रहे हैं, ठीक है, ये सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी बोल सकते हैं कि एक्सपेंसेस विच आर रिकरिंग और मोर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरिंग, ठीक है, ट्रांजेक्शंस इन ए बिजनेस, एग्जाम्पल। ठीक है, जो रिकरिंग का मतलब ही होता है कि जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी में हो रहा है, ठीक है, यानी आप बोल सकते हैं रिकरिंग का मतलब क्या होता है, रिपीटिव, बार बार। ठीक है, रिपीटिव का मतलब होता है बार बार खर्चा होना। एग्जाम्पल, जैसे परचेज आप करते हैं ऑफ रॉ मटेरियल्स, ठीक है, पेमेंट ऑफ सैलरी, रेंट, टेलीफोन बिल, ठीक है। दूसरा, ये अब बात करेंगे यहां पे कैपिटल एक्सपेंडिचर का। कैपिटल एक्सपेंडिचर की हम बात कर रहे हैं, तो हम यहां वो खर्चा की बात कर रहे हैं जो नॉन रिकरिंग है, यानी एक बार कर दिया हो गया। एग्जांपल, गाड़ी खरीदते तब एक बार करते हैं, बिल्डिंग बनाते तो एक बार खर्चा करते हैं, ठीक है, ये हो गया। हम बोल सकते हैं नॉन रिकरिंग, ए नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर वो हमेशा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। एग्जांपल के तौर पे परचेज करते हैं आप कार, आप प्लांट एंड बिल्डिंग,
इसमें एक ही बार आपको खर्चा होगा, लैंड इसमें एक ही बार खर्चा होगा आपको, ठीक है। कार में हो सकता है 10 साल का पेपर खरीदे, 3 साल भी खरीदे, प्लांट बिल्डिंग भी एक ही बार बनाएंगे, मरम्मत करते रहेंगे आप, लैंड तो एक ही बार खरीदते हैं, ठीक है, नॉन रिकरिंग हो गई है। बस यही चीज का ध्यान रखना है, इसी को हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये हो गया नेचर ऑफ एक्सपेंस के हिसाब से। हम बात करेंगे इफेक्ट ऑन अर्निंग कैपेसिटी के हिसाब से, इफेक्ट ऑफ रेवेन्यू ऑन अर्निंग कैपेसिटी। अब आइए तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, इफेक्ट ऑफ रेवेन्यू ऑन अर्निंग कैपेसिटी, ठीक है, क्या इफेक्ट होगा रेवेन्यू का अर्निंग कैपेसिटी पे। जो भी खर्चा हो रहा है, जिस खर्चे के हेल्प से आप जनरेट कर पाते हैं, पहला तो समझिए रेवेन्यू, इसमें भी आपको पॉइंट बनाना होगा। पहला हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अब ये क्या बोलता है, ये बोलता है वैसे खर्चे जिसकी मदद से आप इनकम जनरेट कर पा रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं उसी साल में, करंट ईयर में, यानी वैसे खर्चे जिसकी मदद से आप इनकम जनरेट कर पा रहे हैं सेम ईयर, तब बोल सकते हैं द एक्सपेंसेस विच हेल्प टू जनरेट एक्सपेंसेज विच हेल्प टू जनरेट, ठीक है, इनकम या फिर रेवेन्यू इन द करंट ईयर, सेम साल जिस साल आप खर्चा कर रहे हो उसी साल पैसा आपको मिलना चालू हो गया, यानी जो खर्चा आप कर रहे हो और उसी साल से आपको इनकम या रेवेन्यू मिलना चालू हो गया करंट ईयर, ठीक है। फिर आ जाएंगे दूसरा पॉइंट पे, जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर। अब ये क्या बोलता है, ये बोलता है उस तरह का एक्सपेंसेस है जो कि जनरेट करता है रेवेन्यू, बट उसके लिए मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड लग जाता है। तो अगर कोई खर्चा कर रहे हैं उसके लिए, खर्चा तो कर दिया बट उसमें आपको जो रेवेन्यू जनरेट है उसके लिए आपको एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा समय लगता है। If expenditure helps in generating revenue over more than one accounting period, ठीक है, it is called कैपिटल एक्सपेंडिचर। माने ऐसा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं जिसकी हेल्प से आप इनकम जनरेट कर पा रहे हैं बट आपको मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड का समय लग रहा है, ठीक है। उदाहरण हो जाएगा, इसे उदाहरण तो पता ही आपको, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा खर्चा कर रहे हैं जो कि जनरेट तो करेगा रेवेन्यू बट आपको मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड का मतलब है नेक्स्ट ईयर हो सकता है या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर हो सकता है, ठीक है, एक साल में नहीं होगा, यानी हम बहुत आसान भाषा में बोल सकते हैं मोर देन वन ईयर, ठीक है। ये सारा पॉइंट्स प्लीज कॉपी में अपना लिखते चलिएगा, ठीक है ना। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पहली बार है चैनल सब्सक्राइब करिएगा, थैंक यू वेरी मच।